103 साल का दादा हूँ मैं। दादाजी क्या बात, कितने साल हो गए सर इनको? इसको हो गए भाजी 120 साल इस मकान को। 120 साल। ये क्या चीज है? ये तंदूर है, इस पे खाना बनता है। ये गाइस इनका तंदूर है। 103 साल उम्र में जी। 103 साल का दादा हूँ मैं। दादाजी क्या बात है। काट खाए के काट है ऐसे। और क्या रहा? पुराने जमाने का ना अनाज खा के स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग आज भी देख लो ना, 103 साल से फिट है एकदम। हाँ तो अंकल जी मिले हमें, 103 साल ओल्ड एज है और आज भी फिट एंड फाइन है अंकल जी। लॉन्ग वे लैंग्वेज में बोल रहे हैं कुछ जो भैया हमें समझा रहे हैं थोड़ा बहुत। हे गाइस, तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको पुराने मकान में जो ओल्ड मनाली मनाली के गांव में। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है और ऊपर ऐसे जाया जाता है। हे गाइस, बच्चे खेल रहे हैं पुराना। कितने साल हो गए सर इनको? इसको हो गए भाजी 120 साल इस मकान को। 120 साल। सूज उतार देते हैं यहाँ पे। खेल रहे हैं 120 साल पुराना। लाइट है क्या? ये गाइस इनकी लाइफ। ये क्या चीज है? ये तंदूर है, इस पे खाना बनता है। ये गाइस इनका तंदूर है जिन पे खाना वगैरह सब कुछ बनाते हैं। धुआं जाने का, ये ऊपर का धुआं का ना भी है। और इमरजेंसी के लिए गैस भी है। ये किचन है। अगर हमारे पास लकड़ी का सोर्स नहीं होता तो गैस पे बना देते हैं। लकड़ी का सोर्स ना वो होगा। इस टीवी भी है अंदर। हाँ टीवी भी है, बहुत पुराने जमाने का टीवी है। टीवी लगा रखा है, बच्चे वगैरह देख लेते हैं। रूम ठंडा भी बहुत है एकदम। हाँ, ये रूम गर्मी के लिए मतलब ठंडे रहते हैं और सर्दी के लिए गर्म रहते हैं। सर्दी ये बिल्कुल मिट्टी का लेप किया है इस पे। हाँ जी। और ऊपर क्या चीज़ है? ये सारा वुडन है। वुडन है। हाँ जी। वुडन करके इस पे कुछ लगाया हुआ है ना? हाँ, इस पे मिट्टी का ही लेप किया है। ओके। और ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही है, प्योर देसी। ये स्टोरेज है, ऊपर स्टोरेज का बनाया हुआ है इनका। हाँ, ये ऊपर चढ़ने को नहीं। लकड़ी। अरे अरे जा, तेरे को बोलो पर बच्चों में फाइट हो गई यहाँ पे। जा बुलाना। ओल्ड विलेज इन हलान। ये देखो गाइस, इस तरह की उनकी छत रहती है ऊपर से। ये देखो उधर जाके आऊं मैं, इधर इस साइड थोड़ा अंदर जाके। ये पूरा ओल्ड विलेज। ये देखो काफी सालों से बने हुए हैं। तो गाइस हमने ओल्ड विलेज देखे हैं अभी, बड़े प्यारे प्यारे बने हुए हैं। कुछ तो 100 साल पुराने हैं, कुछ 90, कुछ 80, पूरे लकड़े के बने हुए हैं और इनकी छतों पे पत्थर वगैरह रखे होते हैं। बस पूरे पत्थरों वगैरह रखे थे मकान के ऊपर और ये खेत के अंदर ही है सारे। यहाँ पे पेड़ वगैरह ये रहा पुराना। गाइस कीप सपोर्टिंग। और ये रहा एप्पल्स के पेड़। ये पक गए क्या योगी जी? अभी नहीं, अभी कच्चे हैं। अभी कच्चे हैं, अभी 20
20 अगस्त के बाद इसका तोड़ान होगा। ये कलर कैसा है इनका, रेड कलर हो जाएगा? हाँ रेड हो जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा। ये देखो इस एप्पल अभी पके हुए नहीं है, थोड़ा टाइम और लगेगा इनके अंदर। बाकी गाइस घूम के बड़ा सही लगा ओल्ड विलेज। जाते जाते लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।